तो जो लोग अपनी किडनी बेचकर आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी जैसी बात है। मतलब हिंदुस्तान में आईफोन 11 सीरीज़ की जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और साथ में काफ़ी कमाल के मतलब दबा के कैशबैक मिल रहा है। तो बात करते हैं इस वीडियो में इस सारी कहानी को लेकर, तो लेट्स गो। तो बात करें ऑनलाइन प्री बुकिंग की, तो ये तो हमेशा से होती चली आ रही है अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह पे, लेकिन इस बार जो सबसे खास बात है वो ये कि आईफोन 11 सीरीज की जो प्री बुकिंग है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेडिंगटन और इनग्राम माइक्रो जैसी कंपनी आईफोन 11 सीरीज की ऑफलाइन में प्री बुकिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छे खासे कैशबैक दे रही हैं। तो बात कर ली जाए यहाँ पर रेडिंगटन की ऑफलाइन ऑफर्स के बारे में, तो यहाँ पर आईफोन 11 पर 6000 रुपये का कैशबैक है। वहीं आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स पर हमें 7000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। बाकी अगर हम एप्पल वॉच 5 सीरीज को खरीदते हैं तो 4000 मतलब प्री बुकिंग करते हैं तो 4000 रुपये का कैशबैक, और ये कैशबैक आपको तब ही मिलेगा जब आप HDFC बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे। तो बाकी आईफोन 11 सीरीज जो तीनों स्मार्टफोन हैं उनमें क्या फ़र्क है, और यहाँ पर एप्पल वॉच 5 सीरीज की पूरी डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अब रेडिंगटन 8 शहरों में 25 लोकेशंस पर 27 सितंबर को शाम के 6 बजे स्मार्टफोन्स मतलब ये जो आईफोन्स हैं इन्हें अवेलेबल कराएगा जो कस्टमर्स प्री बुकिंग करेंगे उनके लिए। अब बात कर लीजिए यहाँ पर इनग्राम माइक्रो की, तो सेम ऑफर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनग्राम 3500 से ज़्यादा लोकेशंस पर स्मार्टफोन्स को अवेलेबल कराएगा। तो ये तो सारी बातें थी ऑफलाइन को लेकर। अब बात करें अगर हम ऑनलाइन की, तो भैया अमेजन फ्लिपकार्ट और पेटीएम तीनों जगह पर आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं और ऑफर्स भी काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं। अमेजन की बात करें तो यहाँ पर आईफोन 11 पर 6000 का कैशबैक, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स पर 7000 रुपये का कैशबैक। बाकी यहाँ पर आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी है, 7200 रुपए का एक्सचेंज ऑफर भी देखने को मिलता है, लेकिन ये सारे ऑफर सभी काम करेंगे जब हम HDFC का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। तो अब फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पर भी सेम ऑफर्स देखने को मिलते हैं, मतलब आईफोन 11 पर 6000 और आईफोन 11 प्रो 11 प्रो मैक्स पर 7000 रुपए का कैशबैक, लेकिन फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको 14650 रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। तो ये थोड़ी ठीक ठाक बात है, लेकिन ये सारे ऑफर सभी काम करेंगे जब हम HDFC का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। तो बाकी पेटीएम से भी हमें सेम ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। तो भैया जो जो चाहता है आईफोन 11 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन खरीदना या फिर एप्पल की लेटेस्ट 5 सीरीज वाली वॉच खरीदना, तो भैया प्री बुक कर दो आराम से, काफी अच्छे खासे ऑफर्स हैं। तो बस इस वीडियो में यही सारी कहानी थी, बाकी आप अपनी राय जरूर दर्शाएं कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ में साझा किया। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर नई पुरानी जानकारी मिलती है आपको इस चैनल पर अपनी खुद की भाषा हिंदी में वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वेरी मच।